नमस्कार दोस्तों सिंपलीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरीफ्रल डिवाइसेस के अंदर चैप्टर वन ओवरव्यू ऑफ़ माइक्रोप्रोसेसर एंड सिस्टम के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई स्टेट बफर एंड इन्वर्टर इससे पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर और सिस्टम बस का अध्ययन किया था आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई स्टेट बफर एंड इन्वर्टर्स, बफर और इन्वर्टर का अध्ययन करेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई स्टेट बफर में अगर हम बात करें अ ट्राई स्टेट बफर इज यूजफुल डिवाइस दैट अलाउज अस टू कंट्रोल व्हेन करंट पास थ्रू द डिवाइस यानी कि बफर एक इस तरह का डिवाइस होता है जिससे जब करेंट पास होती है तो वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करेंट जब करेंट उससे पास होती है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड वैन इट डजेंट इट हैज डिवाइस एंड वैन इट डजेंट इट हैज़ टू इनपुट डेटा एंड कंट्रोल तो जो बफर होता है उसमें दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्राई स्टेट जिसमें तीन स्टेट होती हैं दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है जिसमें से इनपुट एक हम इनपुट एक को हम इनपुट बोलते हैं दूसरे को हम कंट्रोल इनपुट बोलते हैं और आउटपुट को हम आउटपुट बोलते हैं तो तीन इसमें होते हैं जैसे ये देखें आप डायग्राम देख पा रहे हैं दिस इज दी बफर इस बफर में एक इनपुट है जिसे डेटा इनपुट डी इन का है एक आउटपुट है जिसे डेटा आउटपुट का है और एक कंट्रोल इनपुट है जिसे हमने सी इन कहा है सो दिस इज दी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी बफर तो इस बफर में जे आप देखें जब हम इस बफर में अगर जीरो देते हैं, वन देते हैं हैं वन तो हमें आउटपुट में वन मिलता है अगर जीरो देते हैं तो जीरो मिलता है हम यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बफर जो उसके इनपुट पर होता है वही आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होता है अगर इनपुट पर डेटा जीरो है तो आउटपुट पर जीरो होगा इनपुट पर वन है तो आउटपुट पर वन होगा लेकिन ये जब ही आउटपुट रिफ्लेक्ट होगा जब इसका कंट्रोल इनपुट इनेबल होगा और कंट्रोल इनपुट जो इनेबल होता है वो डिपेंड करता है कि हमने जो बफर है वो कौन सा यूज किया है बफर भी दो तरह का होता है एक्टिव हाई और एक्टिव लो एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो तो दिस इज दी एक्टिव हाई इसमें देखें जब हमने कंट्रोल इनपुट को वन दिया है उस समय पे ये एक्टिवेट है एक्टिव है तो ये एक्टिव हाई हो गया इसके अलावा जब हमने इनपुट पर जीरो दिया है दूसरा वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं दिस इज एक्टिव लो यानी जब हम जीरो देंगे तब आउटपुट मिलेगा अगर आपने यहाँ वन दे दिया तो आउटपुट पर हमें हाई इंपीडेंस प्राप्त होगा यानी हमें उस समय आउटपुट नहीं मिलेगा बफर इज़ यूज टू इंक्रीज द ड्राॅइंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट तो बफर का प्रयोग क्या होता है जो सर्किट होता है उसकी ड्राॅइंग कैपेसिटी जो करेंट कैपेसिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं इट इज़ यूज टू एम्पलीफाई दी पावर एंड करेंट तो इट इज़ जस्ट लाइक अ एम्पलीफायर एम्पलीफायर भी क्या करता है इनपुट पर जैसा सिग्नल है वैसा ही सिग्नल हमें आउटपुट पर मिलता है केवल उसके एम्पलीट्यूड को वो बढ़ा देता है या पावर को बढ़ा देता है इसी तरह से बफर का भी यही काम है बेसिकली हम ये कहते हैं कि एनालॉग सर्किट के अंदर हमारे पास एम्पलीफायर होता है और डिजिटल सर्किट के अंदर हमारे पास बफर होता है जो एम्पलीफायर का का काम करता है डिजिटल डेटा को वो आ, एम्प्लीफाई करता है एक तरह से उसकी ड्राइविंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है दिस इज़ दी ट्रूट टेबल फॉर दी ट्राई स्टेट बफर जिसमें देखें जब हमारा कंट्रोल इनपुट एक्टिव हाई है उस कंडीशन में अगर आप दिस इज़ फॉर दी एक्टिव हाई तो एक्टिव हाई अगर एक्टिव हाई पे अगर ये डिसेबल है यानी एक्टिव लो वाला है अगर एक्टिव हाई की बात करें इसका मतलब ये हाई पर इनेबल होगा तो वन जब देंगे तब ये इनेबल होगा तो जब आप इसे जीरो देंगे तो ये डिसेबल होगा तो जब इस पर इनपुट जब आपने कंट्रोल इनपुट जीरो हो, उस समय आप पे जीरो आउटपुट पर हमेशा आपको हाई इंपीडेंस स्टेज मिलेगा इसी तरह से जब एक्टिव हाई बफर के अंदर जब कंट्रोल इनपुट वन है तो उस कंडीशन में जब आपका इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट पर जीरो होगा इनपुट वन होगा तो आउटपुट वन होगा यानी कि आपका इनपुट आउटपुट पर रिफ्लेक्ट जब ही होगा जब कंट्रोल इनपुट आपका हाई होगा फॉर इन द केस ऑफ एक्टिव हाई इसी तरह से एक्टिव लो है तो एक्टिव लो के केस में बफर जब एक्टिव होगा जब कंट्रोल इनपुट जीरो होगा तो आप देखें जीरो के केस में हमने इनेबल दिखाया है तो यहां पर हमें जीरो है तो जीरो मिलेगा वन है तो वन मिलेगा लेकिन अगर कंट्रोल इनपुट वन हुआ तो उस कंडीशन में डिसेबल हो जाएगा और हमें आउटपुट पर कुछ नहीं मिलेगा तो बफर जो है ट्राई स्टेट बफर एक तरह से हम आउटपुट को कंट्रोल कर पा रहे हैं अगर इनपुट जा रहा है तो हम आउटपुट को कंट्रोल करें जब हम चाहें तब हमें आउटपुट मिलेगा जब हम नहीं चाहें तब हम आउटपुट नहीं मिलेगा वेन मैनी सर्किट्स आर कनेक्टेड टू कॉमन बस देन दी प्रॉब्लम ऑफ लोडिंग अकर्स तो ट्राई स्टेट बफर जो का जो प्रयोग है कि जब हम बहुत सारे पेरीफेर और सर्किट जब एक ही बस से कनेक्ट होते हैं तो उसमें लोडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है लोडिंग का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं जब आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट सब्जेक्ट पढ़ा होगा उसमें ई डी में आपने लोडिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो लोडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही है कि जब एक से ज़्यादा डिवाइस uh, जब एक ही बस पर कनेक्ट होते हैं तो बस पर लोडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है हैंस ट्राई स्टेट लॉजिक सर्किट आर यूज टू ओवरकम दी प्रॉब्लम ऑफ लोडिंग तो हम उस लोडिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ट्राई स्टेट बफर का प्रयोग करते हैं ट्राई स्टेट बफर में क्या है? कि अगर एक बस पे पचास मान लीजिए फिफ्टी सर्किट्स लगे हुए हैं तो ट्राई स्टेट बफर अगर हमने उसके आगे लगा दिया है तो उसका आउटपुट भले ही मिल जाएगा लेकिन ट्राई स्टेट बफर से जब तक हम चाहेंगे तब तक वो बस पे हमें अवेलेबल नहीं होगा वो जब ही होगा जब उसका जो इनेबल कंट्रोल इनपुट है वो इनेबल होगा सो दिस इज दी सिंपल लॉजिकल लॉजिक डायग्राम ऑफ द ट्राई स्टेट बफर कि अगर आप इसे इनेबल कर रहे हैं और ये अगर एक्टिव हाई है तो आपने अगर इसे जीरो दे दिया तो ये आउटपुट पे आपके पे हाई इंपीडेंस देगा अगर इनपुट पे ए है क्योंकि यहां पर इसके अंदर ऐसे समझ लीजिए कि इसके मान लीजिए इसके अंदर कोई एक स्विच है जब आपने इसे जीरो दिया तो स्विच ओपन रहेगा लेकिन जब आप इसे वन कर देंगे तो स्विच क्लोज हो जाएगा तो आपका जो इनपुट पर ए है वो आउटपुट पर भी ए रिफ्लेक्ट होने लगेगा तो एक तरह से जो आउटपुट है वो जब ही मिलेगा जब हम चाहेंगे कंट्रोल इनपुट के थ्रू वी विल कंट्रोल इट सो दिस इज दी लोडिंग इफेक्ट एक तरह से दिस इज दी एक कॉमन बस है जिसपे बहुत सारे ट्राई स्टेट बफर हमने लगाए जो सर्किट्स कनेक्टेड हैं से उसमें हमने ट्राई स्टेट बफर लगा दिया तो इसको अगर हम ट्राई स्टेट बफर यूज करेंगे तो यहाँ लोडिंग की प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि कनेक्ट तो सारे कॉमन बस से हैं लेकिन एक्टिव एट ए टाइम कोई एक या दो ही होगा जिसका प्रयोग माइक्रोकॉसर कर रहा होगा बाकी का डेटा इस बस पर नहीं आएगा जब तक इनका कंट्रोल इनपुट इनेबल नहीं होगा तो एक तरह से जब हमें मान लीजिए इस वन नंबर डेटा इन जो वन नंबर का ये बफर है इसको यूज करना है तो ये जब ही प्रयोग होगा जब इसका कंट्रोल इनपुट इनेबल हो जाएगा तो इस तरह से हम स्टेट बफर को यूज कर लेते हैं ट्रुप टेबल ऑफ इन्वर्टर अब उसके बाद जैसे ट्राई स्टेट बफर है उसी तरह से ट्राई स्टेट इन्वर्टर होता है इन्वर्टर में क्या होता है इट्स अपोजिट फंक्शन ऑफ दी बफर uh, बफर क्या करता है जो इनपुट है उसी को आउटपुट पर रिफ्लेक्ट करता है लेकिन इन्वर्टर उसका अपोजिट ऑपरेशन करता है जो इनपुट पे होता है वो आउटपुट पे उसका अपोजिट होता है अगर इनपुट पे जीरो होगा तो आउटपुट पे वन रिफ्लेक्ट होगा इनपुट पे वन होगा तो आउटपुट पे जीरो रिफ्लेक्ट होगा सो दिस इज दिस विल गिव दी अपोजिट आउटपुट लेकिन इसमें भी एक कंट्रोल इनपुट होता है आउटपुट जब ही रिफ्लेक्ट होगा जब आपके कंट्रोल इनपुट इनेबल होगा दिस इज दी इन्वर्टर तो इन्वर्टर और बफर में केवल इतना डिफरेंस होता है सिंबल में ट्राइंगल में जो ट्राइंगल का ये आप देखें जो आउटपुट पॉइंट पोर्ट है उसके पास एक डॉट लगा देते हैं एक सर्कल लगा देते हैं सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि अपोजिट को नॉट को एक बेसिक रिप्रेजेंट करता है अगर इस पर जीरो जा रहा है तो वन हो जाएगा वन जा रहा है तो जीरो हो जाएगा और जब आपने गेट्स पढ़े होंगे तो नॉट गेट को भी आपने इसी तरह का सिंबल पढ़ा है तो एक तरह से इट्स अट गेट इन्वर्टर एक तरह से नॉट गेट होता है तो दिस इज द इन्वर्टर तो एक हो गया एक्टिव दिस इज फॉर एक्टिव हाई और दिस इज फॉर एक्टिव लो इसी तरह से ये दिस इज दी दुटेबल फॉर द इन्वर्टर जब एक्टिव हाई है तो उस केस में जब आप इसे जीरो देंगे तो डिसेबल रहेगा तो आउटपुट पे हमें हाई इंपीडेंस मिलेगा लेकिन जब ये वन देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा तो जब इनपुट पे जीरो देंगे तो आउटपुट वन मिलेगा और इनपुट पे वन देंगे तो आउटपुट जीरो मिलेगा तो एक तरह से आउटपुट अपोजिट आउट हो जा रहा है इसी तरह से एक्टिव लो के केस में जब आप इसे जीरो देंगे तो ये आपको आउटपुट रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन अगर आप इसे बन देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा और आउटपुट पे हाई इंपीडेंस मिलेगा सो दिस इज़ दी ऑल अबाउट दी इन्वर्टर एंड द बफर तो हम कह सकते हैं कि बफर और इन्वर्टर का जो प्रयोग है वो हमें ट्राई स्टेट बफर ट्राई स्टेट हम बफर और इन्वर्टर यूज करते हैं जिससे हम उनके आउटपुट को कंट्रोल कर सकें और लोडिंग की जो प्रॉब्लम होती है बस पर उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें उसे ओवरकम कर सकें थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो धन्यवाद